घर तो यही प्रतीत होता है। देखूं, शायद यही वही सही घर हो। अलोक निरंजन, शंभु शंभु। अरे प्रणाम बाबा, कैसे आना हुआ? आना बेटा ऐसे हुआ, क्या यही गंगा प्रसाद जी का घर है? जी यही गंगा प्रसाद जी का घर है। हम इसी विषय में आए हैं। जी बताइए। कुछ कार्य बाकी थे, उन कार्यों को पूर्ण करना है, इसीलिए तुम्हारे द्वारे पर आए हैं हम। कार्य? क्या कार्य थे बेटा? कुछ बात ऐसी है कि गंगा प्रसाद जी है, वैसे अगर गंगा प्रसाद जी से मेरी बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी वो तो है नहीं है। कहाँ गए हैं? जी वो तो, उनका तो मृत्यु हो गई उनकी तो। देहांत? जी गंगा प्रसाद जी का देहांत हो गया, लेकिन कब? वो गोवर्धन गए थे परकम्मा लगाने, तो वहाँ स्नान वगैरह कर रहे थे तो पैर पड़ गया, सर में चोट लग गई। हरिओम हरिओम, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अपशगुन, और हमें पता तक नहीं पड़ी। पता नहीं अब क्या होगा। बाबा हुआ क्या पहले बताओ तो सही। बेटा इतना घोर अनर्थ हो गया है कि हम कैसे, किस मुख से बताएं? अपने मुख से मेरे से आवाज भी नहीं निकल रही है, मैं बता भी नहीं सकता कि इतना बड़ा अनर्थ होने के बाद आखिर मैं अब करूंगा क्या। तो बाबा कोई और मुख होगा तो वो देख लो। अब बताना तो इसी मुख से पड़ेगा ना। अब बड़े बूढ़े दे देखो, चाहे मौत कैसे भी ऊपर से आए, भगवान को भी बहाना चाहिए होता है। बात भगवान के बहाने की नहीं, बात मृत्यु की है, क्योंकि उन्होंने एक प्रण लिया था, हमने उनका एक उठाना किया था, और उनके प्रति एक सांप को कैद किया था। सांप? हाँ नाग, मैंने एक नाग को उनके प्रति अपनी कैद में कर लिया। उस नाग नागिन के जोड़े को बिछोड़ दिया, अलग कर दिया उन दोनों को। इच्छाधारी नाग नागिन थे। अच्छा? क्योंकि उनसे तुम्हारे ससुर जो थे, उनसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ था इस दुनिया में आकर, तो और वो पाप आज तक उनके आड़े आता है। लेकिन कौन सा पाप हुआ ये तो तुमने अभी तक बताया ही नहीं। बहुत घोर अनर्थ था। एक पवित्र शिवलिंग जिसके पास साक्षात गौरा मैया की एक मूरत लगी थी, जिसके स्वर्ण मुकुट को तुम्हारे ससुर ने चुरा लिया, और तुम्हारे ससुर के उस मुकुट को चुराते ही वो नाग नागिन का जोड़ा उनके पीछे पड़ गया और उनको मारने के लिए बार बार प्रयत्न करने लगा। तब वो हमारे पास आए, हमारी सेवा की, हमें प्रसन्न किया। तब जाकर हमने उस नाग को अपनी कैद में किया कि जब तक आप जिंदा रहेंगे हम आपके परिवार की रक्षा करेंगे, और आज तुम्हारे ससुर मर चुके हैं, अब मुझे उस नाग को आज़ाद करना होगा। तो ये समझो बाबा कि उन्हें उसी बात की सजा मिली है, चोरी करना गुनाह है, वो भी भगवान की मंदिर में से, समझो वो उन्हें सजा मिल गई। बात बेटा सजा, और अब वो मर गए, चले गए, वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है। बात बेटा है कि नहीं? अब हमारा तो कोई अब वो है नहीं, मरने वाले से कोई ताल्लुक रहता नहीं है किसी का। पुत्री एक बड़ा ही विडम्बना की बात है, जो मुकुट था वो उन्होंने वापस नहीं किया उस मंदिर को, बल्कि छुपा कर रख लिया। हमें लगता है कि वो तुम्हारे घर में ही है। उस मुकुट को दे दो, उस मुकुट को माता गौरा तक पहुंचाने के बाद मैं उस नाग को अपने पास से आजाद करूंगा। बाबा ये हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आपकी आंखों के सामने है बस, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। सही बताऊं? कुछ नहीं है तो बेटा एक बात का ख्याल रखना, वो नाग इतना शक्तिशाली है, वो नागिन इतनी शक्तिशाली है कि मैंने अगर उसे आजाद कर दिया और उसे उस मुकुट की थोड़ी सी भी दृष्टि मिल गई तो उस परिवार का सर्वनाश करने में वो बिल्कुल भी नहीं खतरा है। क्योंकि आपके ससुर ने एक प्रण दिया था, मेरे हाथ पर हाथ रखकर एक वादा किया था कि जिस दिन भी वो उस मुकुट को वापस करने जाएंगे उस मंदिर के लिए, उसमें कुछ ना कुछ धन की वृद्धि कर या कुछ आभूषण उसमें ज़्यादा मिलाकर उस मंदिर को समर्पण करेंगे। लेकिन अभी तक उस मंदिर पर वो मुकुट नहीं पहुँचा। मैं इसीलिए इस द्वारे पर आया हूँ बेटा। मेरा एक प्रण होता है, एक निश्चय होता है, अब मुझे उस नाग को आज़ाद करना होगा, और जहाँ भी वो मुकुट होगा वो अपनी दिव्य। लेकिन बाबा मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो हमारे ससुर जा चुके हैं ठीक है। अब उनका और हमारा तो देखो कोई ऐसा वो है नहीं है। उन्होंने अपने जीवित रहने पे क्या किया क्या नहीं किया इस बात से देखो हमें कोई वो मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं तो मैं नागों पे इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, और ना ही मैं इन चीज़ों में पढ़ना चाहती हूँ। अगर हमने गलत काम करे होंगे तो भगवान हमें सजा दे देगा। देखिए मैं इन चीज़ों को मेरी सुन ले बेटा, मैं तुझसे यहाँ कुछ मांगने नहीं आया, और ना ही मुझे कुछ ज़रूरत है। मैं एक सन्यासी आदमी हूँ,
एक ये मेरा कर्म था कि तेरे ससुर की रक्षा करना मेरा धर्म था, तो मैंने उनकी रक्षा की। और बात रही प्रण वाली, तो उस नाग को आज़ाद करना अब मुझे जरूरी है। अगर मैंने उस नाग को आज़ाद नहीं किया, देखो वो क्या कहते हैं माँ, वो जो बाबा, मैं इन चीज़ों पर पहली बात तो बिलीव नहीं करती हूँ, और फिर दूसरी बात ये है कि हमें कोई मतलब नहीं है किसी से भी, और आप हमें डराने या धमकाने की कोशिश मत करना। आप, मैं मानती हूँ आप अच्छे हों या बुरे हों, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई ना नाग मार रहा ना कोई नागिन मार रही, जो हमने काम किया ही नहीं है तो हमें उस चीज़ से मतलब किया। जो भी काम किया हमारे ससुर ने किया, वो ऊपर पहुँच गई। घोर मूर्ख, ठीक है, घोर मूर्ख। जब दिव्य दृष्टियाँ सर्वनाश की ओर आती हैं ना, तो सिर्फ मौत का तांडव होता है, और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर में अब मौत का तांडव होने वाला है। चलो, क्योंकि मेरा धर्म मेरे आगे आ रहा है, उस नाग को मुझे आज़ाद करना होगा। हम आपके उसके बाद रक्षा तुम्हारी अपने आप तुम करोगी। हाथ जोड़ रहे हैं, आप जा सकते हैं। मेरा तो हमेशा तुम पर आशीर्वाद बना रहेगा, लेकिन पुत्री एक बात का ध्यान रखना, मेरी बातों का ख्याल रखना। अगर वो मुकुट तुम्हें दिखे तो कोशिश करना। कोई समझदारी की बात करी होती तो मैं बातों का ध्यान भी रखती। अपना जाने कहाँ से तुम, कौन से सन की बातें उखाड़ के बैठ गए। अरे होता होगा, पहले जमानों में ऐसा, मैं नहीं मानती इन चीजों। हरिओम हरिओम, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ बोल के गए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। ये पता नहीं कहाँ के रावण भक्षण थी। रुकिए। हाँ भाई बाबा, ये बताइए, इस कॉलोनी में आप जो घूम रहे हैं, आप एक बात बताएं कि आपका तो एक स्थायी जगह होती है, जिस जगह आप ठहरते हैं ना, आप यहाँ घूम रहे हैं, ये मुझे कुछ उचित तो नहीं लग रहा है। तो बताइए अनुचित क्या लग रहा है। अनुचित ये लग रहा है कि मैंने बाबा तो बहुत देखे कि भाई झोली लेके चलते हैं या चून आटा जैसे मांगते हैं घर में से, आप मुझे उस तरीके के नहीं लगते हैं। हम वो है भी नहीं। नहीं हो नहीं, लेकिन एक ऐसा है कि अभी इस समय जो है क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है। तो आपको तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब तुम्हें मुजरिम दिखते हैं। अरे वही बात भाई, बाबा एक बात बताइए, देखो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अब क्राइम एक ने किया हो चाहे दो ने, देखो हर इंसान क्राइम करने वाला हर किसी को मुजरिम ही समझता है। और आपकी नजाकत को समझें। मैं तो नजाकत समझ रहा हूँ बाबा, लेकिन देखिए आप कानून के एक रक्षक हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम भक्षक नहीं जो आप हमें बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी बात को कहेंगे। पहली बार तो हम वो मछली नहीं जो तालाब गंदा करता घूमे। हम वो सन्यासी हैं जो किसी से एक रुपए अधर्म का नहीं लेते। हमारा जीवन पालन तो सिर्फ भोलेनाथ करते हैं, भोले भंडारी की अपरंपार महिमा। हाँ, हाँ, तो भोले भंडारी के मंदिर में जाकर के वहाँ उनकी सेवा पानी करिए, उन पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। आप यहाँ कौन सा दूध और यहाँ कहाँ भोले बाबा। देखिए श्रीमान, दिख ही नहीं रहे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम तो रवि है, बताइए आप। वही रवि जी। हाँ, मैं बाबा त्रिलोक हूँ जो यहाँ से उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहता हूँ, और मेरा कुछ प्रण और कुछ सवाल थे जो मैं यहाँ पर पूछने आया था। उन सवालों के लिए मना हो गई, उस प्रण के लिए मना हो गई, उस विश्वास के लिए विश्वासघात हो गया। देखिए बाबा, ये जो आप कहानी सुना रहे हैं मुझे, देखो मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता, और देखो जिस पे विश्वास करता हूँ वो मुझे कभी नजर ही नहीं आता। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो मैं हम साक्षात भगवान की और शैतान की दोनों के दर्शन करा सकते हैं। ऐसा करना, यहाँ से कुछ ही दूर एक मरघट है जहाँ हमारे स्थान है, कभी रात में आओ, हम तुम्हें साक्षात दर्शन करें। देखो बाबा एक मिनट, देखो मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तब तक इंसान को नहीं होता जब तक आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं होता। आपकी आत्मा को परमात्मा से जब हम मिलन कराएंगे तो आपको विश्वास अपने आप हो जाएगा। अनाथ निरंजन, बताइए ऐसे ऐसे लोग ढोंगी पाखंडी पड़े हुए हैं जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। खैर मैं भी देखूंगा। अरे कोई है? इसी घर से निकल के गया था वो बाबा। बताइए हमें। हाँ जी। अरे मैम जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते। और आप ठीक हैं? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो बाबा काले कुबड़े कपड़ों में बड़ी बड़ी जूट धारण करके वो आपके घर से निकले हैं ना? हाँ आए तो थे, है ना?
घर से नहीं निकले, आए थे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं देखो ऐसा है ना, आपके दरवाजे से तो वापस हुए हैं। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए इस समय जो है कानून का पहरा बहुत ही तेज निगाह से सब पे पहरेदारी कर रहा है। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि अभी अभी आपके जो बराबर गली में जो है एक स्कूल के बराबर में जो एक मंदिर है, वहां से जो देवी देवता आभूषण पहन रहे थे वो चोरी हो चुके हैं। हाँ तो आप समझ रही हैं, बहुत आपके इस क्षेत्र में बहुत ही निगरानी रखी जा रही है, टाइट एकदम। नहीं ये तो खैर अच्छी बात है कि आप अच्छी बात है, यहाँ निगरानी रखनी भी चाहिए, और चाहे चोरी हो या ना हो वो तो तुम्हारा काम है। मुझे पाठ करोगे नहीं? मुझे पाठ मत पढ़ाइए। अरे पाठ ना पढ़ा रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ मैं। अरे बताइए। तो तुम करोगे ही ना, अब थाने में बैठो चाहे गलियों में घूमो, काम तो तुम्हारा वही है। हम आपकी सेवा में सरकार तुम्हें पैसा किस लिए दे रही है? आप घर बैठने के लिए तो दे नहीं रही। और अगर आप अभी तुम सोचोगे घर बैठ के मजे से, हाँ जी हमारी तो ड्यूटी चढ़ रही है, ऐसे तो थोड़ी ना है भाई। तुम लोगों को कैसे समझाया जाए? अगर एक बात बताइए, जब तुम लोग खुद ही चोरी करवाने जैसे कारनामे कर रहे हो बाबा। अरे ये बता तुम्हारे घर में से चोरी कराई मैंने? अरे चुप करिए आप, चुप करिए। तुम्हारे घर में से कितना सोना हो गया? कितना सोना? हाँ, अरे मेरे घर में तो कितने हीरे जवाहरात गायब करवाए बताओ। हमारे घर में से तो एक कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। जो चुटकी बजा रहे हो ना इसमें दम भी होना चाहिए। हाँ खैर ठीक है, आपको मुंह नहीं लगता अब ऐसा है, आप तो तुम कोई मेरी जेठानी नहीं हो। चुप करिए, जो तुमसे मुंह लगूंगी। अपमानजनक बातें करती हो। इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर ही रहो। अब आप ये वाली बात आखिरी में जो कह के जा रहा हूँ, देखिए जो बाबा वगैरह जी भी जो लोग हैं इन पर अच्छी निगरानी रखी है, सही है आप? ये काम तो आपका है। हाँ अगर कोई ऊंच नीच कोई भी बात होती है वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। बाकी निगरानी रखने का काम तो आपका है। क्या पागल लोग हैं। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ। हरिओम हरिओम। तू नागिन? हाँ मैं यहाँ। कैसे? मैं यहाँ ये इसलिए क्योंकि मुझसे तुमने ये बोला था कि मैं तेरे नाप को छोड़ दूंगा, फिर क्यों नहीं छोड़ा अब तक? वक्त उसकी वजह? वक्त है। वक्त? कैसा वक्त? वही वक्त जो तुझे पता था, मैंने तुझे बताया था जब सही समय होगा तेरा नाक छोड़ दिया जाएगा। अरे तो वो समय कब आएगा? सही मेरे नाक को कब छोड़ा जाएगा? जब सही वक्त होगा तो अपने आप तुझे तेरा नाक मिल जाएगा। बाकी मुझे इससे ज्यादा सवाल जवाब कोई पसंद नहीं। मैं कह रही हूँ मुझसे तुम ये टालो मत, मुझे ये बताओ मेरा नाक छूटेगा या नहीं? अगर नहीं छोड़ू तो फिर मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। ख्वाब है तेरे लड़की, बाबा त्रिलोक को मिटाना असंभव है। मिटाना? तो मेरे नाक को क्यों नहीं छोड़ रहे हो फिर? नाक के लिए मैंने मना नहीं किया, लेकिन सही समय का इंतजार करती रहे। जब सही समय आएगा तेरा नाक खुद के खुद तेरे पास पहुंच जाएगा। मैं ये बातें ना कब से सुनती आ रही हूँ, आज तक मेरे नाक को नहीं छोड़ा है। हरिओम हरिओम। लेकिन वो दिन कब आएगा जो मैं अपने नाक को देख पाऊँ? मेरी आंखें तरस रही है अपने नाक को देखने के लिए। प्रेम में पागल हो चुकी है तू। जानता हूँ कि तेरे पति को मैंने कैद जरूर कर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी मुझसे आकर अंटसंट बोलेगी, क्योंकि मैंने एक वचन लिया था और उस वचन को पूर्ण करना मेरा हक है। बाबा मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं अभी, लेकिन हाँ अगर मेरे नाक को नहीं छोड़ा गया तो मैं बोल सकती हूँ। बता क्या करेगी? क्या करूंगी? तुझे धमका रही है? मैं धमका नहीं रही हूँ, मैं बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, पहले तो मेरे नाक को छोड़ दे। सही बताऊँ ना, तू एक सिर्फ इच्छाधारी नागिन है। जानता हूँ तू हर तरीके का रूप बदल सकती है, लेकिन मुझ पे भी बाबा भोलेनाथ की कृपा है, मेरा कोई बाल भी फीका नहीं कर सकता। मैं भी देखती हूँ, तो अगर मेरे नाक को नहीं छोड़ा ना फिर मैं दिखाती हूँ अपनी शक्ति। जब मैं तुझे कह रहा हूँ कि सिर्फ कुछ क्षणों की और बात है, आने वाली अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे तेरे नाक को मैं इस खंडर में से आज़ाद करूँगा, और वही उसी दिन जब पूर्णिमा के सुबह निकलेगी तो तुम दोनों का मिलन पूर्ण होगा। अगर नहीं किया आजाद फिर? ये मेरा वादा है तुझसे नागिन कि तेरा नाक तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन पूर्णिमा की सुबह जब मैं यहाँ से आज़ाद करूँगा तो पूर्णिमा की सुबह तक वो तेरे पास पहुँचेगा, और तू उसकी चिंता मत कर, मैंने उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं किए, वो मेरे पास एकदम सुरक्षित है, जा सकती है तू। ठीक है, मैं जब भी आऊँगी, जब आपने मुझसे वादा किया है, अभी तो जा रही हूँ। हरिओम हरिओम। त्रिलोकनाथ की शक्तियों को कमजोर समझती है, अगर तू नागिन है तो मैं भी एक
सपेरा हूँ, मरगटों की राख खाकर जीता हूँ मैं। आसानी से नहीं मार सकती तू मुझे। ओहो, नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते जग्गू पहलवान जी। आज तो काफी दिन में दर्शन हुए, क्या बात है। दर्शन तो हमारे खैर होते ही रहते हैं, वो थोड़ा कुछ समय के लिए हम बैठ गए थे, लेकिन हमारे बैठने से इतना नुकसान हुआ कि इस समय जो है कानून की निगाहें पूरे गांव पर फैली हुई हैं। नुकसान? हाँ जी, नुकसान का बात को नुकसान इस बात का है कि आपके बारे में भी कुछ दो तीन खबरें हैं हमारे पास, और आप इस बात को बखूबी जानते हैं, और हमने पहले भी आज से पहले कुछ महीने पहले कुछ लोग आपके पास से जो धर दबोचे थे अपने, याद है आपको? हाँ याद है ना, सारी बात याद है। दो नंबरी काम जो कराते हैं सब हमें पता है। अरे साहब जी, अब तुम्हें कहा बताऊँ मैं। हाँ, पहली बात तो ये काम मैंने कराना बंद कर दो है, घर गृहस्थी बसने वाली है मेरी। अब देखो, चाहे घर गृहस्थी बस जाए चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा रही बात दूसरी, अब तुम सोचो अगर दूसरे को इंजाम मेरे पे लगाओ तो वो काम तो होंगे ना। देखो, दूसरे का इल्जाम हम नहीं लगा रहे। अच्छा, ऐसा है, अभी अभी की कुछ अभी चार पांच दिन ही हुए हैं। हाँ। इस बात को जो है तुमने स्कूल देखा है? हाँ, स्कूल देखा है ना। हाँ। स्कूल के बराबर में जो मंदिर है, वहाँ जो देवी देवताओं पर जो सोना वोना चढ़ा हुआ था। हाँ। वो सबका सब चोरी हो चुका है, समझ रहे? तो इस समय बहुत कड़ी सख्ताई की जा रही है, रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी, मैं आपको आपके कान खड़े कर दूं इस बात को लेके, अगर आपके गैंग में से कोई भी अगर बंदा अगर मिलता है या किसी ने भी इस तरीके की ये हरकतें की हैं तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। अरे साहब जी सुनो मेरी बात, अब मेरे गैंग के जो भी टीम है का ही, ठीक है, अलग कर दी है। ठीक है, मेरा उनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया मेरी शादी होने वाली है। हाँ। तो वो पिताजी देखते हैं लड़की। देखो नहीं, तो ऐसा होता है कि आज भी जो है आपका नाम भरी भरी महफिलों में जग्गा पहलवान के नाम से उभरता रहता है। सही है, लेकिन आप जे वाले काम मैंने बंद कर दिया है। दांत मत दिखाइए, मुझे सब पता है। जग्गा पहलवान है और कछुना है। हाँ, ये बात तो है। खैर, अच्छा अब ये सारी बातें छोड़िए। हाँ बताओ। एक बात बताइए, क्या आपकी उम्र इतनी हो गई है? ज्यादा नहीं तो कम से कम 45-48 साल के हो गए। ना 44 है अभी तो। 44 साल की। हाँ। अब ये बताइए, 44 साल की उम्र हो रही है तुम्हारी, जब से क्यों नहीं शादी की, जब तुम पर जवानी थी बढ़िया। अरे साहब जी, अब तुम्हें कहा बताऊँ, बस ऐसे ही है, जब से अपने शौक मौजन में रहे। आप जो आप मना रहे थे कर रहे हैं, जब दुश्मनी में था, मतलब थोड़ा वो ये यार दोस्त में रह गए, मन नहीं। लेकिन वैसे जग्गा पहलवान जी, एक बात बताएं हम आपको, वैसे ये अभी ठीक नहीं है। अब किसी की लड़की को तुम ले आओ, 44 साल की उम्र है भैया, फिर वो लड़की क्या किसके साथ। साहब जी सुनो मेरी बात, तुम्हें खुद बताओ, मेरे घर में कोई चीज की कमी तो है ना। लड़की काहे की आएगी तो दुखी तो रहेगी ना। सही बात है, सही बात है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, हम तुम्हें इतना ही समझाना चाह रहे थे कि अब जो है जो कानून की निगाहें बहुत तेज हो गई है ना, ना, और इस बात की छानबीन की जा रही है। ठीक है, तो तुम ना, ना, वैसे काम में संभल के रहो, मैं तो संभल के ही हूँ, तुम बता दो घर में सब ठीक है। बस बस सब बढ़िया। ठीक है, लगता है मुझे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो माता गौरा के आभूषण मिलना असंभव है। मैंने बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत खोज लिए, लेकिन मुझे उन आभूषणों के बारे में अभी तक पता नहीं लगा। ऐसा करता हूँ, उस नागिन को बुलाता हूँ, शायद वो अपनी मणि की शक्ति से उन आभूषणों को खोज सके। हरि ओम शंभु। Thank you.
के लिए बुलाया है। क्या मेरा नाक छोड़ दिया? इसीलिए बुलाया है। नागिन, मैं चाहता हूँ कि मैं उस प्रण को खत्म करूँ। अमावस्या की रात अभी बहुत दूर है और तेरा तेरे पति से मिलना बहुत जरूरी भी है। मेरे दिल में दया है तेरे लिए, लालच नहीं। तुझे अपना पति चाहिए। हाँ। और मुझे भगवान के आभूषण। आभूषण? हाँ, उन्हीं गौरा माता के आभूषण जो चोरी हुए थे मंदिर में से। इसीलिए तो तेरा नाग आज तक मेरे कब्जे में है। अगर तू उन जेवरातों को मुझे ढूंढ कर ला दे और मैं उन जेवरातों को गौरा माता को समर्पण कर दूं तो तेरा नाग आजाद हो जाएगा। ना उसकी जिंदगी में कोई लालच आएगा और ना तेरी में। ना वो किसी को मारेगा। वो चाहता था, क्योंकि वो उनका शिष्य था, भगवान भोलेनाथ के, वो स्वयं को दर्शन करता था तेरा नाग। इसीलिए मैंने उसे कैद में किया, क्योंकि गुनाह होते हैं गलतियों से। एक बुढ़े आदमी ने, जिनका नाम गंगा प्रसाद था, उन आभूषणों को चुरा ले गए और तेरा नाग बेकाबू होकर उनके पीछे बहुत बुरी तरह भागने लगा। वो बसते बसते मुझसे टकराए, भागते भागते टकराते हुए घनघोर जंगल में पहुंच गए। और जब मरघट में मेरी मुलाकात उनसे हुई तो सिर्फ उनके लफ्जों में बस यही था, मुझे बचा लो। और तेरा नाग बहुत शक्तिशाली था, ना चाहते हुए भी मुझे तेरे नाग को अपनी कैद में करना पड़ा। और मैंने उनको वचन दिया कि जब तक आप जीवित हैं मैं इस नाग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस आदमी ने मेरा वचन को तोड़ा है, जो गंगा प्रसाद था, क्योंकि उसने भी मुझसे एक वचन किया था कि कुछ सालों बाद वो उन जेवरातों में कुछ बढ़ोतरी कर और स्वयं को गौरा माता के सामने समर्पण कर उन जेवरातों को खुद, उन आभूषणों को खुद पहनाएगा। लेकिन उसने अपने प्रण को नहीं माना तो मैं तेरे नाग को कैद में रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अब देख सुन नागिन, तू उन आभूषणों को ढूंढ, प्रलय होने से तू ही बचा सकती है। क्योंकि तेरा नाग अगर मैंने पहले आभूषणों से पहले छोड़ दिया तो तेरा नाग बेकाबू हो जाएगा और फिर ऐसा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं वो जेवरात ढूंढूंगी। मैं पूरी शक्ति लगा दूंगी अपनी उनको चीजों को ढूंढने में, लेकिन मेरा नाग छोड़ना पड़ेगा बाबा। मुझे मेरा वादा है तुझसे। ठीक है, तो मैं ये काम आज से ही चालू करती हूँ। मैं जाती हूँ। ठीक है, जिस दिन तू नाभूषणों को ढूंढ कर मेरे हाथ में ला देगी उस दिन तेरा नाग आजाद हो जाएगा। जय भोलेनाथ। ठीक है बाबा। रुकिए रुकिए रुकिए। अरे दरोगा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कहाँ से आना हो रहा है? मैं बस यही पास के गांव से आई थी। ऐसा है, हम नौटंकी में काम करते हैं ना, तो अब ऐसा हुआ, हमारे जो मालिक है ना उनकी नीयत खराब थी। अच्छा, तो मतलब उनकी गंदी नजर थी मुझ पे, तो इसलिए मुझे काम छोड़ना पड़ा। अच्छा, तुम किसी नौटंकी में काम करती हो? हाँ। अच्छा, ये सही किया तुमने। वैसे कहाँ कर रही थी तुम? कहाँ का मालिक है तुम्हारा? अरे यहाँ, ये पास का गांव नहीं है, सरदार लोग जो हैं। हाँ, मैं समझ गया, सब समझ गया। वैसे अच्छा, ऐसा है ना, आज से पहले कभी इस रास्ते पे मेरी हमेशा ड्यूटी लगती रहती है और मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तो इसलिए देखो कहीं ना कहीं शक होता है। पर इस समय देखो बहुत छानबीन चल रही है, बहुत पुलिस का दबदबा है इस जगह, तो इसलिए हर इंसान को खूब परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। तो अच्छा ये बताइए कि तुम कोई फ्रॉड तो नहीं हो ना? अरे नहीं, मैं तो नौटंकी वाली हूँ, इसमें सारे मेरे कपड़े हैं, सब नौटंकी। बस बस बस, जो यही जानना चाह रहे थे, नौटंकी वाली हो, ठीक है, अपना काम करके आ रही हो, अच्छी बात है। नहीं साहब, ऐसा है, मैं वहाँ से इतनी भाग के मुश्किल से निकल। हाँ मुझे पता है, अभी तक पीछे लगा हुआ है। चिंता मत करो, उन्हें तो हम देख लेंगे। खैर तुम अब हमारे पास। ऐसा है, तुम्हारी जुबान भी कुछ लड़खड़ा रही है। मेरी? हाँ हाँ। अरे नहीं, मैं मुझे ज्यादा वो मत समझो, बहुत सालों का मुझे वो एक्सपीरियंस है। अच्छा ऐसा आप ये बताओ, हम हाँ। आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ क्यों बोलेंगे? अपनी मेहनत से करके खाना आया हमें, ना कि किसी की हराम की खाना। मैं जानता हूँ मेहनत से करके खाना अच्छी बात है। खैर ऐसा है, अब ये सारी बातें होंगी थाने में, और अभी आप चलोगे मेरे साथ थाने। थाने में? हाँ। अरे तो साहब हमें क्यों लेके जा रहे हैं? हमने तो कुछ कहा भी नहीं है। खाम खाम में इल्जाम लगाते जा रहे हो, तुम्हें थाने ले जा रहे हो। खाम खाम नहीं, चलो। तुम्हें पता है कि इस समय पुलिस का बहुत बड़ी निगरानी है, तुम चलो मेरे साथ। अरे मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? मैं क्या कह रहा हूं, फिर मुझे सख्ताई से करना पड़ेगा, चलो। अरे कोई सबूत भी है नहीं है। अरे सबूत हो या नहीं हो, चलो 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 चलो, कुछ सुनना नहीं। साहब देखो, तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, एक मजबूर लड़की को आप थाने में बंद कर रहे हैं। अरे भाई मेरी क्या अच्छी बात है? अरे जब मैं किसी लड़की को जानता नहीं हूँ, इस रस्ते से तुम आज से पहले कभी गुजरी नहीं हो, आज पहली बार आई हो, तो इसलिए छानबीन तो की जाएगी, समझ रही हो? और तो और, यहाँ तुम्हें पता है मंदिर में चोरी हो चुकी है सोने की।
अरे तो वो हमने थोड़ी ना चुराए हैं, हमने क्या बोला, हम ना मेहनत करने वाले हैं, मेहनत से खाते हैं, लेकिन किसी की चोरी चकारी नहीं करते। अरे बहन देखो, मेहनत करने वाले मुझे सब पता है, लेकिन अब ऐसा है, तुम अपना कोई भी, तुम्हारा कोई गारंटेड आएगा, वो हमसे बात करेगा, तब जाके हम तुम्हें छोड़ेंगे, ठीक है? चलो चलो, कुछ नहीं, चल चलो, फालतू में ले जा रहे हो तुम्हें, चलो चलो। अरे साहब, हमें कुछ नहीं सुनना है। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और क्या हालचाल है? बढ़िया। अरे साहब बढ़िया बढ़िया भाई, जग्गा पहलवान, और बताइए। क्या बताएं वैसे, ऐसे ही है ना, काम धंधा हल्को चल रहा है। हाँ सही बात है, सही है। अच्छा हाँ, क्या? अरे ये लड़की है, ये कोई अजनबी लड़की है, हमें आज से पहले कभी। हाँ तो कहाँ लेके जा रहे हो? लेके इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है, तुम इतना हमसे इतनी गहराई में पूछ रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कौन है, क्या है, कहीं ये तुम्हारी गैंग की लड़की तो नहीं है? अरे हमारे गैंग की लड़की, कहीं ऐसा भी हो सकता है? अरे ना ये साहब, गलती नहीं है तुम्हारी, नहीं हमारे गैंग की, हमारी गैंग की ना ये है, हमारी गैंग की नहीं है। कल को मुझे ऐसा लगे कि जग्गा पहलवानों को भी सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। काफी सुंदर है, कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा इतनी सुंदर, तो तुम्हारी वाइफ भी ना है? अरे वो अच्छा, एक बात घटित, भाभी जी कह रहा हूँ। हाँ भाभी जी कह रहा हूँ। हाँ सब रस लेते हो, अभी पुरानी जो जो दाने हैं वो गए नहीं है? ऐसा कुछ ना, तुम्हें बताओ आप, पुराने धंधे तो मैंने बंद कर दे। कहाँ बंद कर दिए? बंद कर दिए। क्यों ले आ रहे हो मेरी, आखिर गलती क्या है मेरी? बस तुमसे मिल गई रास्ते में, तुमने मुझसे पूछ लिया। क्या हो गया बहन जी? अरे बात ही है, मैं ना एक नौटंकी वाली हूँ। अच्छा, वो तो मेरे को दिख भी रहा है, नौटंकी में काम करती हूँ। अच्छा, वहाँ के हमारे मालिक ऐसे थे, उसकी गंदी नजर थी, वो मेरे पीछे पड़ गए, मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई। अच्छा, अभी इन ना मुझे थाने में बंद कर रहे हैं, खामा खामा। साहब जी छोड़ दो, सीधी सादी लड़की लग रही है। हाँ वो क्योंकि वो तुम्हारे टीम की है। अरे हमारी टीम की ना है, कसम से, कसम तुम्हारी। देखो जग्गा पहलवान, मुझे ज्यादा हमें सिखाओ, स्टोरी मत सुनाओ। और सुनो दूसरी बात, ये पहलवान देखो, मैं अब तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। बहस कैसा है? साथ ही सुनो मेरी बात। हाँ हमारी तुम्हारी कभी ना तो बिगड़ेगी और ना बिगड़ेगी। ना 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 बिगड़ेगी, हम तो जा मारे गए ना, सीधी सारी लड़की लग रही है, तो छोड़ दो बेचारी है, कहाँ की रहने वाली है तुम? अरे मैं वहाँ की हूँ, रामपुर की। हाँ तो निकल जाइए अपने, अगर पहुंच जाइए अपने ठिकाने, अपने घर। ऐसा है, जब तक इसका कोई घर का परिवार का कोई भी नहीं आएगा, तब तक मैं छोड़ूंगा। अरे समझ गया मैं, तुम कोई कहानी कह रही थी, सोने के चक्कर में शक लग रहा दिए तुम्हें, जी छोड़ तो ना है। तुम्हें पता नहीं पुलिस का कितना वो कह चल रहा है? वो तो मेरे को पता, कान भाई की चल रही है। अरे हमने चोरी थोड़ी ना की, देख लो आप। चलो 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 चलो, कुछ नहीं, चलो साहब जी छोड़ दो, मान जाओ कह ना, तुम्हें डालू अंदर। अरे मेरे को तुम चलो, मैं तो तुम्हें पता, ये जान डाल दूंगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मुझे जाने दो, पकड़ जाओ। चलो चलो, इनकी नहीं है, माने निकलो, छोड़ दो साहब जी, निकलो यहाँ से, चलो चलो। अरे तुम कितनी रिश्वत खाओगे? आओ, पता नहीं ज्यादा, मैं बता, किसे पकड़ लाए? किसे पकड़ लाए? कुछ नहीं है, तो लोंडियों को ही उठा दे, घूम रहे हो, नहीं मानोगे तुम? तो वो कोई मिलता ही नहीं है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ से आई बहन तू? अरे बहन ऐसा है, मैं ना नौटंकी वाली हूँ, मैं नौटंकी में काम करती थी, पास के ये गाँव नहीं है, सरदार लोग हैं उनके यहाँ पे, तो हमारे मालिक की ना नियत बेकार थी, वो ना मुझ पे ना गंदी नजर डाल रही थी, तो उनसे बचा के तो मैं वहाँ से भागी हूँ, आगे इन साहब ने मुझे पकड़ लिया कि तू चोर है, जाने किस किस इल्जाम लगाते जा रहे हैं। मतलब लोग खा कमा भी नहीं सकते ढंग से। एक बात बताइए, कल को अगर ये एक बात बताइए, अभी ये मंदिरों में चोरी हो रही है, ठीक है, और अगर ये लड़की मैंने आज से पहले इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं देखी, और ये लड़की कह रही है कि मैं इस रास्ते से आती जाती हूँ, मेरा इधर गांव है, यहाँ घर है, वहाँ घर है, इसका ना कोई अता पता, ना माँ बाप का नाम, ना कोई बहन भाई, कहाँ कौन कहाँ रहता है? काम कर, तुम चुप रहो साहब, नौटंकी से बताओ बहन जी, दीदी, मैं कहीं काम, हमारा कोई एक ठिकाना तो है नहीं है, यहाँ से तम्बू वहाँ पे गाड़ दिया, वहाँ से तम्बू वहाँ गाड़ दिया, हमारा तो ये काम है नौटंकी वाले, तो नौटंकी का जाप तो एक जगह तो होता नहीं है ठिकाना। हे चुप, बताओ मेरी बात सुनो, ऐसा है इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चल घर पे, चल। और फिर मैं तुमको लेके जाके थाने में बंद कर दूंगा। मैंने क्या जुर्म किया? क्या जुर्म किया? बंद करोगे तुम? इतनी सीधी बन रही हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे साथ भेज दूंगा मैं,
लेकिन उससे पहले ही पहले जाएगी थाने और तुम्हें भी थाने आना पड़ेगा, कागजात लेके आने पड़ेंगे, कागजात में पूरे दस्तखत करने पड़ेंगे, भरना पड़ेगा, इसकी गारंटी लेनी होगी। कल कलावा को अगर इसे कुछ होता है तो जिम्मेदार होंगी आप। बिल्कुल समझ रही हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। जाती है आती है कुछ भी, हमारी गारंटी नहीं रहेगी। जब मैं उसकी जमानत ले रही हूँ हाँ। तो गारंटी भी तो मेरी रहेगी। और सुन एक मिनट में बात कर लू, चुप रहोगे? तुझे कहीं नौटंकी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मेरे घर रहे आराम से, खूब पैसा हम धनी लोग हैं। ये हमारे सामने नौटंकी कर रही है? अरे तुम चुप रहो ना, तुम मेरे घर पर रहियो, आराम से घर का काम करियो। अगर तेरे माँ बाप नहीं है तो नहीं, मेरे पास रह ले आराम से, इसलिए तो मैं नौटंकी में भर्ती हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलना आराम से, और मैं गारंटी के कागज लेके आ रही हूँ, मैं छुड़ा लूंगी इसे। हाँ तुम छुड़ा लेना, मुझे विश्वास है तुम पे। पहली बात तो ये बताओ, गारंटी के कोई कागज नहीं होते हैं? तो नहीं होते, ठीक है ना, मान लिखित में देनी पड़ती है। तो लिखित तो और क्या मांग रहा हूँ मैं भाई, जब पहले तुम लिखोगी उस पर दस्तखत दूंगा, वो कागज हमें चाहिए ना। मैं कर लूंगी, तुम चलो, मैं जरा ये रख के आती हूँ। रख के आती हूँ, ज्यादा उठा के मैं ले आऊंगी। कल को कोई बात होगी, जिम्मेदारी तुम लोगी। अरे बोल दिया, और बता रहा हूँ, चलिए निकलिए, दस्तान आपकी, तू चिंता ना, चलिए चलिए, हाथ पीछे, पागल हो गई लड़की, चलो लोग। अरे साहब, क्या तुम समझ के नहीं दे रहे हो? अब आप इस समय थाने में खड़ी हुई हैं, इस बात को समझिए। और देखो, कल गलावा कोई बात होती है, देखो हमारे ऊपर पूरा पूरा जिम्मा आ जाता है। तुम्हें पता नहीं है पुलिस की नौकरी कितनी खतरनाक होती है? अरे साहब, तो मैंने क्या कहा है, मुझे ये तो बता दो। कुछ नहीं किया, ये जो औरत अभी मिली थी लड़की, अगर ये मुझे अगर लिखित में देती है और हस्ताक्षर देती है अपने सिग्नेचर, तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। लेकिन अगर जब तक ना तो तुम्हारे कोई घर का आता है, ना कोई भी तुम्हारा संबंधी गारंटी लेता है तुम्हारी, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरे माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई तो होगा। अरे कोई भी नहीं है, इसलिए तो मैं नौटंकी में भर्ती हूँ, बताया था ना। तो भाई जो जो तुम्हें रखेगा वो तुम्हारी गारंटी लेगा, वरना तुम यहीं रहो। मैडम इसको अंदर ले जाइए और इसको अंदर रखिए, जाइए, चलिए जाइए, अंदर बुला रही है मैडम। अरे इंस्पेक्टर साहब हैं क्या? खांसी हो गई है मुझे तो। ये लो लाइए। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सोनिया चौधरी जी। ओ अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने हमें ये दिया लिखित में और हस्ताक्षर भी कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, अब लाओ लड़की लेके। आप बड़ी दानवीर हैं, इसका मतलब आप बहुत मतलब लोगों की सेवार्थी हैं। हमारी जो शान है दानवीर से ही स्टार्ट होती है, दानवीर भी आके खत्म हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत। जाओ लड़की लेके, मैं लेके आता हूँ अभी, अभी रुकिए बस एक मिनट, मैं यही खड़ी हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मैडम वो लड़की तो हवालात में है ही नहीं। हवालात में नहीं है तो फिर कहाँ गई? पर मुझे नहीं पता, मैंने अभी दो घंटे पहले। ऐसा है ये उल्लू मत बनाओ, ऐसा है मैंने तुमने ये कहा था कि गारंटी माँ ले रही हो, तो मैं गारंटी के कागज भी बनवा के लाई। अरे चुपचाप लड़की को बाहर निकालो, दफना मतलब वो कहाँ गायब कर दी तुमने? अरे कसम से, मेरा विश्वास कीजिए। अरे तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं मैं, ये बताओ। अरे चाबी भी नहीं है मेरे। अरे यहाँ से कौन ले, कौन थी वो चुड़ैल थी, भूत थी, कौन थी वो? अरे मुझे, मैंने जब दो जो अचानक से गायब, कौन वो मिस्टर इंडिया थी जो गायब हो गई? आप मेरी बात समझने की सुनने की कोशिश ही नहीं कर रही, मैंने दो घंटे पहले वो लड़की बंद की। बात ही ऐसी कर रहे हो, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो क्या? इसमें तुम्हारे कोई जादू थाना है जो आते ही इसमें मुजरिम गायब हो जाते हैं? मैं भी पहले यही समझता था कि ये मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। अरे हाँ ठीक है, एक काम करो लड़की निकालो, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने किसी को बेच दी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अंदर जाके देख के आइए। अरे जब अंदर है ही नहीं तो देखूं कहां से? अरे तो जब है ही नहीं तो मैं कहां से जवाब दूं, मुझे खुद पता नहीं है। देखो मैं तो तुम्हारे साथ आई नहीं थी थाने में जब तुम लड़की को लेके आए हो, मैं तो कागज लेने चली गई थी, उसके बाद तुमने क्या किया मुझे तो सच बता दो, वरना तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। देखिए मुझ पे इल्जाम मत लगाइए, बता रहा हूं, लगा रही हूं, ये वर्दी उतर जाएगी। अरे वर्दी आ जाओगे? अरे जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं कहां से लाके दूं? किया अपना पर्चा पकड़िए। लड़की को तुम लेकर आए हो? लड़की को मैं लेके आया हूं, अगर जरा सा भी मैंने अगर ऊपर वो क्या कहते हैं शिकायत कर दी ना, ऊपर आपसे भी ऊपर कोई होते हैं, अगर मैंने बड़े अधिकारी के यहाँ शिकायत कर दी ना कि एक अनाथ लड़की बेचारी नौटंकी में काम करती थी, अपना पेट पालन करती थी, जैसे जैसे दो वक्त की रोटी उसे नसीब होती थी, और तुमने थाने में लाके उसके साथ शोषण किया और तुमने उसे गायब कर दिया, फेंक दिया, बेच दिया या कहीं मार दिया, तो तुम देख ले रहा, तुम्हें फांसी हो सकती है। अरे जब हमें खुद पता नहीं, दो घंटे पहले मैंने बंद किया, मैं क्या करूंगा उस लड़की का? अरे मुझे मनगढ़ंत कहानियां मत सुना इंस्पेक्टर साहब, और मैं डरती किसी से नहीं हूँ। हाँ
मैं सच्चाई के साथ चलने वाली महिला हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। या तो अगर लड़की आ जाए तो मेरे घर तक बाइज्जत उसे लेकर आ जाना, वरना मैं ऊपर शिकायत करूंगी बड़े बड़े अधिकारियों से, ठीक है ना? और ये रखो गारंटी कार्ड अपने पास। बाइज्जत तो ऐसे बोल रही है इनकी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो उसको फूल फूल डाल डूल के उसके घर पर छोड़ के आए। अरे यार ये कहाँ चली गई दो घंटे पहले तो बस। अरे भगवान, नाग, इतना बड़ा नाग मेरे घर में कहाँ से आया? हे भगवान, अरे लल्ली कैसे भाग रही है, कहाँ बात है, कहाँ है वो? अरे ताऊ जी, वो मेरे घर में इतना काला नाग देखो, सही में मैं तो जैसे घर में कूदी। अरे पेंदे घर श्याम बंदे डर रही है तू? अरे ऐसा फनिया श्याम है, अरे जहरी। अरे मेरे ऐसे डंडन ने खूब श्याम मारे हैं, है लल्ली तू भी है। अरे मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है अभी अपने घर में। तो ऐसे भागने की क्या बात है? अरे भागने की बात नहीं है, वो खा जाता मुझे। तो अपने ससुर तक कहने थी, चलो अगर यकीन नहीं है। चल अभी मैं अभी मारूंगा, चल को एक बार दोबारा देखो। अरे साहब जी आ गए। अरे साहब जी, अरे तू तो अभी थी नहीं ना? मैं थी नहीं है? अरे साहब जी क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अरे चुप कर, मैं तुझे बंद करके गया था लॉकर में, और तू एक बात बता कि तू चली कहाँ गई थी? अरे मैं यही थी, तुम ये एक बात बताओ साहब जी, तुम बंद करके मुझे जाओगे तो मैं इसमें से कैसे निकल सकती हूँ? कैसे निकल सकती हूँ? हाँ वो जो औरत उस दिन मिली थी ना लड़की। अच्छा वो बहन जी? बहन जी पता नहीं कौन है। अरे वो आई थी तुझे लेने के लिए, और उन्होंने दस्तखत भी कर दिए थे और फॉर्म पर लिखित में दे दिया था। मैं बताऊं साहब जी? अरे साहब जी तुम मैं कितने झूठ बोलते हो, मुझे लगता है तुमने कुछ कल ज्यादा पी ली थी क्या? ज्यादा पी ली थी? अरे मैं नहीं पीता हूँ भाई। अरे मैं... तुमने पी थी, तुम मुझे बंद करके गए थे, तुम ये भी बोल के गए थे तुझे भूख लग रही होगी तो ला मैंने कुछ नाश्ता पानी लिया हूँ तुझे खा लियो। है तुम वो भी लेके नहीं आए? मैंने नहीं कहा चाय। अरे तुम कोई रिश्तेदार हो, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए चाय पकौड़े समोसे लेके आऊँ तुम्हारे लिए? अरे क्यों कैदी को क्या तुम भूखा मारते हो, खाना नहीं देते हो? अरे कैदी के लिए भूखा नहीं मारते भाई, लेकिन मैंने नहीं कहा, और मैंने शराब नहीं पी थी। अरे तुमने पी थी साहब जी? अरे नहीं पी थी मैंने। अरे लड़की सुनो, तुमने अगर ज्यादा चालाकी कर रही हो तुम, या तो अब शायद ऐसा हो सकता है मेरी आंखों का कुछ धोखा हो सकता है, लेकिन मैं सही हूँ अपनी जगह, ये मुझे पता है कि तुम थी नहीं। अरे मैं थी साहब जी। तुमने पागल बना दिया, चल चल अब मैं तुझे दोबारा लॉकर में बंद करता हूँ, और अगर तूने कहीं जाने की चालाकी की ना मैं बता रहा हूँ। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, चलो चलो अंदर। चलो कहाँ से आप? अरे मुखिया जी यही घूम रहा था, जैसे ही मैं अंदर आई एकदम ऐसे यूं तैर रहा सही में। अरे लल्ली मोहल्ला रहा था तेरे को सपना भपना आओ दी के, मतलब मैं खुली आंखों से सपना देखूंगी, तुम भी अजीब बात। तो काहे मेरे को दिखाते सही से आप? अरे यहीं पे था मैंने के उसे वो क्या कहते हैं संदूक में रखी आई उसे, तो अब मुझे तो ऐसा लग, अरे सांप होगी क्या, सांप तो कहीं भी घुस सकते, मुझे तो ऐसा लग रहा घर में कहीं बक्से बक्से के पीछे बैठा है। तेरा दिमाग सही ना है ठीक है, तूने मेरा टाइम और रास्ता घोटी और कर दी तूने मेरी। ऐसे कहीं ना तुम मिलिट्री। अरे टाइम से यार हो कछु एक है, मुझे तो ऐसा लग रहा घर में कहीं दुबका बैठा है। देखो भैया मैं तो घुसूंगी नहीं सही में, मुझे इलाज करवाओ। तो घर तो तेरा ही है, इलाज क्या कराऊं मैं? अब कैसे करूं कैसे करूं मैं तो? जब तो तुम बड़े बड़े लट्ठ लेके आए कि मैं मार दूंगा ये कर दूंगा, अब क्या हो गया तुम्हें? अरे मारूंगा तो जब दिखे वो। अरे फिलहाल अगर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है किसी के नीचे घुस गया। अरे सही कह रही है, तेरे घर में नौकरी दे करने आया हूँ, ढूंढ ढानी करूंगा सांप के लिए। तुम्हारा काम है तो मैं मार दूं। मुखिया आओ तुम यहाँ के। अरे मुखिया आए तो झाड़ू पोछा करवा ले घर के। झाड़ू पोछा थोड़ी ना कह रही मैं करवाने की, तुमने उसे ढूंढ दो ने को। का ढूंढ दूं वो सांप? अच्छा पकड़ के ले जाओ उसे। तेरे घरन के जैसे घरन के सांप ढूंढूंगा ना तो मेरा है वो काम। अरे घर में तो घरों में थोड़ी निकला, मेरे घर में ही निकला पता नहीं। हाँ जा चल अंदर, मैं जा अंदर, तू मेरा टाइम खराब कर दो, चल जा अंदर, जा रही है तो। अरे मैं अंदर नहीं जा रही। चल हल्ले गेट ला आज जब सांप टाइम मिलेगा ना जब बात। अरे लड़की मिल चुकी है। अरे नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, लड़की मिल चुकी है। अरे बाहर में जा लड़की, मेरे में नाग घुसी आया है। अरे नहीं लड़की मिल चुकी है, मतलब घर में तुम घुस जाओ ना। मतलब घर में क्यों ना, क्या कह रहे उन आ रही है? मतलब घर में सांप घुसी आया है। घर में सांप घुसा है, काला नाग घुसी आया है। अरे कोई डरने की जरूरत थोड़ा, ये लड़की मिल चुकी है। अरे हम लड़की की बात ना कर रहे यार, तुम भी पागल इंस्पेक्टर। कौन सी लड़की कह रहे हो? ऐसा था ये एक उस दिन मैं लड़की मुखिया जी छलिया मत बनो यहाँ पे छलिया।
अब देखो छलिया की क्या बात है, अब हम पूछे ना काई की खबर। मैं ये कह रही हूँ मेरे घर में सांप घुस गया है, मेरी रिपोर्ट लिखो। सांप की रिपोर्ट? हाँ। मैं अभी वो अपने वो कागज पेंसिल नहीं लेके आया, लड़की मिल चुकी है। तो लिख लो, मुंह से लिख लो। रिपोर्ट लिखो ना। हाँ। राज पेटे साहब तुम्हें, जब तुम्हें रिपोर्ट मिल लिया तो लिख चो ना। अरे लड़की मिल चुकी है जिस लड़की। अरे लड़की भी दे देना, रिपोर्ट भी लिखो हमारी। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, आप आइए मेरे साथ चलिए। चलो ना, मैं लड़की दूंगा इनको और ये मुझे रिपोर्ट लिख के गिफ्ट। मैं लड़की ना दे रहे हो तुम मुझे, क्या लड़की दूंगा? ऐसे कौन सा तुम अपनी लुगाई से पैदा करवा के दे रहे हो? अपने बच्चे ना करवा दे रहे हो फालतू में। चलो जल्दी अब लड़की, शट अप। हां चलिए, ये सब बहुत बार सुने हमने, हम पे भी हमें ये शब्द कहने। अब आपका एप्लीकेशन भी लिखूंगा, वो नाक कौन सा है, कौन सी नस्ल का है, नाम लिखूंगा उसका, उसके परिवार को गिरफ्तार करा के जेल में बंद करूंगा उसे। ओ हेलो, नागों के कब से परिवार होने लगे? होते हैं, तुम्हारे परिवार नहीं है? उसका नाम तुम्हें पता है? अरे मोलोरा साहब जी, तुम भी मजे ले रहे हो। ये बता, सियापन मजे ले रहे हैं? ये मुखिया जी थोड़े ना पूरे मजे ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ देखो, ऐसा मत करो। मैं सीधा सज्जन पुलिस वाला हूँ। दिख रहे हो, आप यहाँ रुकिए और मैं लड़की लेके आता हूँ आपके। अरे तुम लड़की और कागज पेंसिल दोनों नाक की गोली को, पहले लड़की ठीक है, मैं लेके आता हूँ, लेके आओ जल्दी। रुकिए रुकिए, और नाक की रिपोर्ट लिखनी है? लिखूंगा। ऐसा ना, नागों की रिपोर्ट लिख जाएगी तो फिर आगे से ही आएंगे। नहीं हाँ, वो वाली बात तो सही है, हो जाएगा। मैंने बात नहीं कही, इनते लड़की छोड़ दो, इन्हें छोड़ी ना ही। अच्छा हाँ, ऐसा लड़की सुंदर होगी ना, इसलिए सुंदर ही है। असंभव असंभव, अरे कैसे डर गए? मुझे लग रहा है वो नाक यहाँ क्या दी गए तुम्हारे। वो लड़की, मैं अभी उसको बंद करके गया था, वो है ही नहीं है इसमें। लड़की लड़की, मैं अपने सर में ईंट डाल लूं, क्या कर लूं मैं क्या करूं कि मैं बोल लूं? हां तुम बोलो। मैं इसी थाने की बिल्डिंग पे से कूद के जान दे दूंगा, तुम मर जाओगे फिर ना। अरे मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे तुम सच ही बोलते हो, तभी तो तुम्हारे सच में सारा सत्यानाश हो जाता है। पहले आए थे, पहले भी कह रहे थे लड़की है, अब अंदर जाते ही लड़की गायब हो जाती है। लड़की मार काट के फेंक दी इन्होंने। अरे जो है ऐसी लगा, मैं ऊपर जा रहा हूं। तुम चुप रहो, तुम बुड्ढे हो गए। मैं ऊपर बड़े उसके यहां जाऊंगी अब। हां मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा मत करिए, मैं आपकी एप्लीकेशन लिखने के लिए तैयार था, पर मैं तुम्हें ऐसे आए घर पे एक डंडा लेके, लड़की मिल गई, लड़की मिल गई, क्या मिल गई? एक मिनट बुगिया जी, तुमने इतने ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिया कि लड़की अंदर है? अरे मुझे पता नहीं था, पर लड़की अंदर थी। मार काट के फेंक दिया, आप कह रहे हो लड़कियां? ऐसा मजाक करने के लिए हम ही मिले थे पूरे देश में? चुप है? चुप, ऐसी बात नहीं है। चुप चुप कर रहे हो, जब से मैं देखिएगा, पहले तो घर पहुंच गएगा, लड़की मिल गई, कहां है लड़की? अरे अरे ना ना, ढूंढ के। ऐसा, अब तुम रिपोर्ट ना, अब लड़की दो, खोपड़ा फाड़ लूंगा अपना। फाड़ लो। अरे तुम ये सस्पेंड हो जाओ, तो जाके इस्तीफा दे दो इससे। तुम इससे तो अच्छा है कि किसी उसमें वो क्या कहते हैं, खेतों में पानी लल्ली, ये काम करते हैं, खेत की जुताई करोगे तो अच्छा फसल उपजेगी। काम कर रहे हैं लल्ली, सुन मेरी बात, बड़े अधिकारी के पास चल रहे हैं। ये तुमने काम की बात नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं सब बोल रहा हूं बहन जी, तुम तो चुप ही रहो। मैं बता तुम्हें, तुम जा काम में आएगी ना, जब से आएगा तुम में आएगा, पूछ मतलब कृपा मत मुझे। अब बहुत दुखी हो गए। अरे लड़की मिली थी। अरे कहां है फिर? चलिए और बन गया, तुमने अपनी पैंट में डाल ली क्या? चल लल्ली, हम चल रहे हैं। अब मैं ऊपर अधिकारी के पास जा रही हूँ, तुम्हारी वर्दी के तुम्हारा कच्छा भी उतरवाऊंगी। और लड़की और डंडा ढूंढ गए, ये क्या बोल के ये कच्छा भी उतरवाऊंगी? अरे यार ये लड़की कहाँ गई यार, ये लड़की इसको दोबारा। अरे इंस्पेक्टर साहब, कहाँ चले जाते हो? अरे कहाँ चले गई तू, कहाँ चली गई थी? एक बात बता, तू कोई जादू वादू तो नहीं जानती है? अरे मैं नौटंकी वाली हूँ, मैं का जादू, अगर जादू जानती होती तो आज मेरे मन में कितना ऊंची सी कोठी होती। अरे अभी वो लोग तुझे लेने के लिए आए थे, जिन्होंने जिन बहन जी ने तेरे लिए दस्तखत करके मैंने उनसे लिखित मांगी थी, वो लोग लेने आए थे तुझे। देखो साहब जी, झूठ तो बोलो मत। अरे झूठ, मुझे लगता है तुमने ज्यादा पी ली है अब तो। अरे भाई मैं अभी अंदर पी के आ जाते हो, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो। मैं अभी तुझे इसी जगह देखने के लिए आया था कि तू कहां पर है, लेकिन तू थी नहीं, और अब तू है तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूंगा? अरे वो तुम काला चश्मा पहने हो ना, तो इस वजह से मैं दिखाई नहीं दूंगी, मैं तो यही पर हूँ। काला चश्मा गया भाड़ में। पहले तो ये बता कि अब नहीं, अब तुझे रखूंगा नहीं, अब तू मेरे साथ चलेगी, तुझे वाकायदा माँ में छोड़ के आऊंगा और उनके हवाले करके आऊंगा तुझे। चल साहब जी, जी बताओ, मैं मुझे दो दिन से ला के रख रखा है, ना तो कुछ खाने को दिया, ना कुछ पीने को दिया, मैं दो दिन से भूखी हूँ, पता है ना? अरे दो दिन से हमने खुद नहीं खाया तेरे चक्कर में, ऐसा केस पहली बार फंसा है कि हम खुद खाना पीना भूल गए इस केस के चक्कर में भाई। अरे तो किसी ने कहा मुझे बंद करो यहाँ पे? चल तू चल मेरे साथ। अब कहाँ? तुझे छोड़ के आऊंगा उनके पास,
अब आगे छोड़ने की बारी। निकल आ भारा। खबर लूंगा मैं आज। अब ये आ गया घर उनका। घर तो खैर मैं अंदर जाके उनको बता के आऊंगा। तू यहाँ खड़ी हो, पहले यहाँ आ जा। यहाँ खड़ी हो, अगर तू यहाँ से कहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने खून पी लिया है मेरा, पतला दुबला हो गया हूँ यार, मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ। अरे बहन जी, मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। लड़की बाहर है, मैं लड़की को लेके आया हूँ अपने साथ, चलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सपने से उठ के आए? कैसी बात है, ऐसा हो जाता है ये बेहूदी वाली बात, क्योंकि पहले भी तुमने दो बार पागल बना चुके हो हमें। नहीं, अब ये तीसरा चांस है। अब की बार लड़की को गिरफ्तार करके पकड़ के तुम्हारे घर के सामने खड़ी हुई है लड़की, दहलीज के पास। चलो ठीक है, लेकिन नाक की रिपोर्ट लिखी। नाक की रिपोर्ट लिख लूंगा भाई, उसकी छानबीन चल रही है, नाम पता सब देखूंगा उसका। छानबीन निकला घर में? छानबीन कहाँ से निकाल कर रहे हो? अरे भाई मैं मतलब किसी और के घर में या फिर अपने थाने में जंगल में? आप पहले लड़की को पकड़िए, आप पहले लड़की को लीजिए। चलो आइए आइए, लड़की बाहर खड़ी हुई है, आइए आइए। ये रही लड़की, ये रही, ये रही लड़की, अरे ये रही, पकड़िए इसे। अंदर तक आए बुले गए तुम मेरे को? बड़ी सुंदर विशेष अच्छी लड़की ढूंढ के लाए हर बार के। ये लड़की है तुम्हें रास्ता में मिलवा इन्हें, तुम करे काम जरूरी। चलो चलो मेरे संग चलो। तुम क्यों मर गए इस जगह पे आके लड़की? अरे मोए लो रो मोए, तुम्हारा लड़की कहाँ गई भाई? लड़की इनकी धोती पे बैठी है, खोल लो। ए ना है जे, अगर मोह तो नौकरी ने जरूरी काम है। कौन कह रहा था? तुम कह रहे? तुम पागल तो नहीं हो? अरे मैं पागल ना बोल रहा, तुम पागल है? पागल खाने वाली गाड़ी का नंबर है? ऐसी बात कर रही है माले? देखो बाद तुम्हारे सामने की बात ही, अब बाद देख ले वहाँ पे थाने में। अरे मैं कह रही हूँ ये मुझे पागल कर देंगे, फिर साथ में दोनों को पागल खाने जाना पड़ेगा। बदतमीज इंस्पेक्टर, मुझे गुस्सा आ रही है। इस बर्दी की वजह से मैं छोड़ रही हूँ, वरना अब तक तो तुम्हें पेलम पाल मचा देती मैं। सुन लो ऐसी सुनोगे तुम आप? हाँ ऐसी सुनोगे आप? कल बच्चों मोह लग रहे हो, तुम्हारे पे चप्पल और पड़ंगी ले लड़की कहाँ चली गई? लड़की कहाँ चली गई? हम पे मेरे को लगा बात पागल हो गया जरूर। अरे कचुना ऐसा मैं पलम वो केदन माँ होगा पेड़ के नीचे जो मंदिर है, तो मैं आएगा मंदिर नौकर है ना, जरूरी काम है ना, चलो मेरे संग आएगा। चलो चलने आएगा तुम्हारा। अब आपको कुछ काम था? मेरा कुछ काम ना लल्ली, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम। बाबा मैं बड़ी परेशान हूँ काफी दिनों से। तेरे चेहरे की नूरानियत बता रही है कि तेरे घर में कुछ आपदा आ गई है। सही कह रहे हैं बाबा, मैंने सच बताऊं मैंने अपने आंगन में सांप देखा था, काला एकदम, इतना लंबा है। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी बातों का विश्वास करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात कतई नहीं मानी। बाबा हो सकता है हम पर गलती हो गई, लेकिन बाबा इसका बात कुछ गलती की नहीं है। ये गलती नहीं, ये गुनाह है। जो तेरे ससुर का गुनाह तुम लोगों के आड़े आ रहा है। बाबा इस गुनाह से कैसे हम बाहर निकले? अब तुम्हें कोई उपाय बताइए। एक ही तरीका है इस गुनाह से बाहर निकलने का। कौन सा? वो जेवरात, वो मुकुट। लेकिन बाबा उन जेवरातों के बारे में सच कह रही हूँ, मुझे सच में बिल्कुल पता नहीं है। तो खोजो उन्हें अपने घर में, क्योंकि तुम्हारे ससुर ने ही उन्हें चुराया था। इस बात को तुम झुठला नहीं सकती हो। मैं चलो। और हाँ, उस समय पर मैं कुछ बात भूल गया था तुम्हें बताना। उनके साथ एक और शख्स आया था, लंबा सा, कुछ ऐसा लग रहा था कि गांव का प्रधान है शायद, लेकिन उन्होंने मुझे अपना नाम, शायद हो सकता है राका नाम बताया था, लेकिन मैं पक्के तरीके से नहीं कह सकता हूँ। तुम गांव का प्रधान बता रहे हो? वो तो हमारे गांव के मुखिया जी हैं। हाँ वही। हाँ। राका नाम बताया था उन्होंने मुझे अपना, लेकिन मुझे उस समय ये सब याद नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। अब खाली इस आपदा से तुम्हें केवल एक ही चीज बचा सकती है, क्या? वो मुकुट और जीवरात और वो राका जिसके सामने वो प्रण लिया गया था, तभी शायद हो सकता है इस आपदा का कोई आराम मिले। हो सकता है बाबा, हमें पता नहीं, उस मुखिया को पता हो। ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल तुम्हारे पास अमावस्या तक का समय है। अगर अमावस्या के समय तक वो जीवरात उस नाग को नहीं मिले, नागिन को नहीं मिले, तो मैं उस नाग को छोड़ दूंगा जो मेरे पास कैद है। बाबा ऐसा मत करना, मैं उस नाग को अब ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकता, क्योंकि वो बिछड़ा हुआ जोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी मृत्यु के घाट उतारा जाऊं। बाबा तो फिर बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन जेवरातों को ढूंढो बस, आखिरी
यही मेरा कहना है, जब तक वो जीवरात नहीं मिलेंगे जब तक ऐसे ही तुम्हें सांप दिखते रहेंगे, और हो सकता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो, किसी दिन वो सांप तुम्हें डस भी ले। देखो पुत्री, आशीर्वाद है मेरा तुम्हें, अपने घर जाओ बिना चिंता किए, निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, वो सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर वो जीवरात नहीं मिले तो फिर मैं तुम्हारे परिवार को नहीं बचा पाऊँगा। लेकिन बाबा, हमें तो कुछ अता पता भी नहीं है, वो कैसे थे, दिखते कैसे थे, और कुछ जानकारी नहीं है हमें तो जेवरात जानकारी के बारे नहीं में। है ठीक है, कल हम तुम्हारे घर आते हैं और पूरे घर का मुआयना करते हैं, अपनी मंत्रों की शक्तियों से ढूंढने की कोशिश करेंगे उन जेवरातों को। अगर मिल जाते हैं तो कोशिश यही करें कि भोलेनाथ की कृपा तुम पेपर से और तुम्हारा घर बच जाए। अलग निरंजन, खुश रहो। बाबा, बाबा नागिन, हाँ तू यहाँ? लेकिन किस जेवरात लेकर आई है? बस उसी के बारे में बात करने आई थी मैं। बोलो। एक वो है, आपके जो जेवरात है ना, हाँ, वो मिल गए हैं। क्या? हाँ, मतलब गौरा मैया के जेवरात मिल गए? हाँ, लेकिन वो ऐसी जगह सुरक्षित रखे हैं कि जैसे कि ना किसी की नजर पड़ती है ना कुछ, लेकिन मैंने अपनी शक्तियों से उसे ढूंढ लिया है। बहुत अच्छा किया नागिन। वो जो बाहर वाला रूम है ना, कमरा, जो आंगन है, उसी खिड़की के नीचे जो गड्ढा है उसी के नीचे गड़ रहे हैं। मतलब कि दफन कर रखे हैं। कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे उन जेवरातों को कहाँ से कैसे और किस तरीके से निकालना है। बस कुल मिला के नागिन, तू अब भरोसा रख, जैसे ही वो जेवरात मेरे हाथ लगेंगे तेरा नाक आजाद हो जाएगा। बस बाबा, मैं यही चाहती हूँ मेरा नाक छूट जाए, मैं बस अपने नाक को देखना चाहती हूँ, वो कैसे हैं कैसे नहीं है, बस हो गए। मैं तुझे इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि तेरे नाक पर कोई आपदा नहीं आई है अभी तक। बस मेरे पास वो सुरक्षित कैद जरूर है, लेकिन कभी मैंने उसे ना तो कभी मारा, ना कभी तड़पाया, और ना ही कभी उसे परेशान करने की कोशिश की। बस कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि मैं कल उस घर में आऊँगा। ठीक है बाबा, मैं यही बताने के लिए आई थी मैंने कि आपको एक बार बता दूँ जाके कि वो सही सलामत हैं। तू निश्चिंत होकर जा, कल मैं उन जीवरातों को वहाँ से निकलवाता हूँ और तेरे नाक को आज़ाद करता हूँ। ठीक है बाबा। आशीर्वाद। अलाप निरंजन, शंभो शंभो। प्रणाम बाबा। आशीर्वाद। वो जीवरातों की मुझे पता लग गई है कि कहाँ तुम्हारे घर में कहाँ दफन है वो जीवरात। अच्छा बाबा। लेकिन एक विडंबना है। जी। उस जीवरातों पर एक नाग अपनी कुंठी जमाए बैठा है। बाबा, ये वही नाग तो नहीं है जो मुझे दिखाई देता है? हो सकता है, लेकिन हम अपनी मंत्रों की शक्ति से उस नाग को वहाँ से हटाकर उन जीवरातों को सुरक्षित गौरा मैया तक पहुँचाएंगे और सब कोशिश करेंगे कि तुम्हारे परिवार को बचा सकें। प्रवेश कराओ। तुम यहीं रुको, ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो जाए, बाकी का काम मैं खुद देख लूंगा। जेवरात मुझे मिल चुके हैं, देखना चाहोगी? ये देखो, अब कुल मिलाकर तुम लोगों के इस परिवार से जीवन का खतरा जा चुका है। अब मैं उस नाग को आजाद करूंगा और वो कहीं दूर जंगल में यहां से चले जाएंगे और अपने प्रेम और अपनी जिंदगी को नई तरीके से बसर करेंगे। बस मैं तो यही चाहूंगा कि जैसे माता से आए थे मैं इनको सुरक्षित वहां पहुंचा दूं, बाकी तुम अपना ख्याल रखना। शंभो शंभो। नागिन, नागिन। हाँ बाबा। आशीर्वाद। हाँ बाबा।
वो जेवरात मुझे मिल चुके हैं। मिल गए? हाँ, और इनको मैं सुरक्षित मंदिर तक पहुँचा रहा हूँ। और सुन, पुरानी खंडर में जा, मिल ले उससे, अपनी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण कर ले। ठीक, आजाद है। हरिओम हरिओम।